हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 82-83 या फिर रेडमी डब्ल्यू के मामले में क्या होता है। अक्सर लोगों का ये पूछना रहता है, लोगों का ये प्रश्न रहता है कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई फिर भी क्या 82 की कार्रवाई हो जाती है। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये होता है कि 82 की कार्रवाई के बाद करना क्या है, क्या सरेंडर करना है कि 82 की कार्रवाई को रोकना है, क्या करना है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये कि हमें जानकारी नहीं मिली और हमारे खिलाफ ये अपराध लिखा गया और उसमें 82 का आदेश हो गया, हमको बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तीनों प्रश्न अच्छे हैं, अहम हैं। सबसे पहले तो पहले प्रश्न का जवाब कि 82 की कार्रवाई क्या बिना चार्जशीट फाइल हुए अर्थात चालान पेश हुए 82 की कार्रवाई हो सकती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है। पहली बात तो ये जानिए, हाँ हो सकती है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, जैसे कि 376 के मामले की मैं बात करूं, 376 का मामला है, अभियुक्त फरार है, नहीं मिल पा रहा है, तो वारंट भी कटवा लेते हैं मजिस्ट्रेट से, आदेश करा लेते हैं, 82 भी करा लेते हैं, आईओ करा लेता है। लेकिन अब आपको ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए, ऐसी कंडीशन सिचुएशन से बचने के लिए करना क्या चाहिए। अगर आपको जानकारी मिल गई है कि आपके खिलाफ 376 का मुकदमा लिख गया है, आजकल आर्मी वाले और पुलिस वाले इस मामले में ज्यादा फंस रहे हैं, कई आर्मी वाले और पुलिस वालों का फोन भी आया, तो इसलिए भी ये वीडियो स्पेशल आर्मी और पुलिस वालों के लिए भी समझिए, आम जनता के लिए भी समझिए। तो होता क्या है कि अगर आप ऐसे मामले में फंस गए हैं तो आप अपना ग्राउंड दिखाइए। ग्राउंड दिखाने का ये मतलब है कि उस समय आप ड्यूटी पे कहां थे, वो ब्यौरा दीजिए, और जो घटना बताई जा रही उस दिन तारीख पे क्या आप छुट्टी पे थे या नहीं, ये मैच करिए तमाम ग्राउंड। तीसरी बात ये, आपको जैसे ही पता चला कि आपके खिलाफ 376 जैसी धारा में मुकदमा लिख गया है तो और चार्जशीट फाइल नहीं अर्थात चालान भी नहीं फाइल हुई है, तो ऐसी कंडीशन में एक रिटर्न प्रार्थना पत्र, लिखित प्रार्थना पत्र आप अपने बचाव में थाना अध्यक्ष को, थाना प्रभारी को या एसएसपी को जरूर दीजिए। अब कुछ हमारे विद्वान बंधुओं का ये कहना होता है, एक दो विद्वान पुलिस वाले हैं तो उनको कानून पढ़ाना पड़ता है, उसने ये कहा कि भाई पहले से दिए होते तो फायदा मिलता, बाद में देने से क्या फायदा मिलेगा। तो उसका भी आप जवाब लीजिए, समझ लीजिए। देखिए कोई भी प्रार्थना पत्र आप भाई किसी लड़की के खिलाफ पहले से क्यों देंगे कि हमारे ऊपर ये 376 का मुकदमा कराने वाली है, ये क्या बात है, अब बाद में क्यों देंगे, उसका कारण पहले इसलिए नहीं देंगे। पहले देंगे तो क्या लोग आपकी बात मानेंगे, अधिकारी आपकी बात मानेंगे, अरे यार हुआ तो नहीं है, हो जाने तो तब तो हम काज ऑफ एक्शन। भाई क्या है कि एक्शन कब लिया जाएगा आदमी, जब कोई कार्य हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो, FIR दर्ज हुई हो, तब तो बात समझ में आती है। आप पहले से बना दे रहे हो मामला तो दुनिया नहीं जान जाएगी, अधिकारी नहीं समझ जाएंगे कि भैया तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारे खिलाफ FIR नहीं हुई, तुम पहले से कदम आगे बढ़ रहे हो। दूसरी चीज, बाद में देने से फायदा क्या है भाई, दुनिया जानती है कानून में प्रोविजन है, जब आपको ज्ञात हुआ कि आपके खिलाफ ये अपराध संख्या में ये अपराध की धारा में मुकदमा दर्ज हो गया है, कोई भी चीज तब ना आप एक्शन लेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप उस समय तत्काल, जैसे ही आपको जानकारी मिली कि आपके खिलाफ ये अपराध संख्या में मुकदमा दर्ज हो गया, तो आपको एक शिकायती प्रार्थना पत्र या अपने बचाव में आईओ के पास एक लेटर भेज देना चाहिए, ये कहते हुए
उसमें अपना बचाव रखिए कि मैं उस समय कहाँ था जब घटना बताई जा रही है, या उसके थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में मैं कहाँ था। दूसरी बात ये, मान लेते हैं कि उस आपके प्रार्थना पत्र से कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन जरा एक ये बताइए कि ना देने से क्या फायदा है। ना देने से तो आपके ऊपर वैसे तलवार लटकी है। अब देने से फायदा मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं वो आप एप्लीकेशन आपने दिया और जांच का हिस्सा उसको नहीं बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन में उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, आपके एप्लीकेशन को इग्नोर कर देता है, आइयो बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखता है, फेंको कबाड़ में फेंक दो। लेकिन आपके पास एक ये ग्राउंड होता है कि भाई हमने भी तो अपनी सफाई देनी चाहिए, हमने भी तो अपनी बात रखनी चाहिए, या रखी लेकिन हमारी बातों को इग्नोर करते हुए लड़की के पक्ष में फला फला चार्जशीट फाइल करी गई, रिपोर्ट लगाई गई, तो आपको एक ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये, जब आप एंटीसेप्टिक सेशन तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर देगी, लेकिन जब आप हाई कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल फाइल करेंगे, उस समय आपको जब जैसा आप पूछेंगे कि हाँ भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा है, पुलिस वाले होते हुए आर्मी वाले होते हुए, तो आपका क्या कहना, क्यों आपको बेल दे दी जाए, तो आपके पास ये, आपके महोदय वकील के पास ये जवाब रहेगा कि लॉर्ड साहब हमने तो अपने बचाव में कोशिश करी, अपनी बात रखनी चाहिए, ये दिन तारीख को हमने, ये देखिए डाक का टिकट लगा हुआ है, सॉरी डाक की स्लिप लगी हुई है कि हमने इस तारीख को फला फला अधिकारी को ये एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल कार्रवाई ना करते हुए, हमारी एप्लीकेशन को इग्नोर करते हुए इसमें ये मामला दर्ज किया गया है, तो हो सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ये लगे कि भाई क्यों नहीं कंसीडर किया गया, जांच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, केस डायरी में ये एप्लीकेशन इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो तमाम चीजें बन के आती है, आगे चल के तमाम ग्राउंड मिलते हैं जिसके तहत आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि एप्लीकेशन पहले देने वाली बात और एप्लीकेशन बाद में देने वाली बात आपके समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि बयासी की कार्रवाई, बयासी की कार्रवाई अगर है तो सीधे तौर पे आप अगर चार्जशीटेड है, दो कंडीशनों में होता है, एक तो चार्जशीट के पहले, एक चार्जशीट के बाद। चार्जशीट के पहले है तो पहले बयासी क्वेस कराइए, उसके बाद बेल कराइए, अर्थात बयासी पे स्टे ले लीजिए, वो भी मिलेगी हाई कोर्ट से। अगर पहले है तो कोई बात नहीं, एंटीसेप्टिक बेल फाइल करिए, तब तक आप बचे रहिए, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो जेल चले जाएंगे, बचे रहते हैं तो हो सकता है एंटीसेप्टिक बेल मिल भी जाए, वो आपके मुकदमे के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब।